2014 में जब बीजेपी पावर में आई थी, तब उन्होंने दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम शुरू करवाया था और आज 10 साल बाद दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लगभग तैयार हो गए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 90% कंप्लीट हो चुका है और दिसंबर 2020 को मोदी जी ने DFC का इनॉग्रेशन भी कर दिया है। तो दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कम्प्लीट होने के बाद मोदी सरकार देश में 3 नए फ्रेट कॉरिडोर को बनाने का प्लान कर रही है और इन 3 नए फ्रेट कॉरिडोर को बनाने में 2,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में और जानेंगे कि DFC से भारत की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। भारतीय रेलवे का इतिहास 171 साल पुराना है। भारत में रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के बीच चलाई गई थी। अभी की बात करें तो इंडियन रेलवे वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है। इंडियन रेलवे के पास 13,500 पैसेंजर ट्रेन, 9,100 फ्रेट ट्रेन और 7,500 स्टेशन हैं। पर इतने बड़े नेटवर्क होने के बावजूद आज भी इंडियन रेलवे अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है मिसमैनेजमेंट। भारत जब आजाद हुआ था तब देश में 85% ट्रांसपोर्टेशन यानी कि माल ढुलाई रेलवे के थ्रू हुआ करती थी और बाकी का 15% रोड के थ्रू हुआ करती थी। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन का शेयर कम होता गया। आज की बात करें तो भारत में रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन 32% हो गया है और रोड के थ्रू 60% तक बढ़ गया है। 75 साल में पूरी तरह से उलटफेर हो गया है और इस उलटफेर का कारण भारत सरकार की मिसमैनेजमेंट और इनएफिशिएंसी है। आज़ादी के बाद से भारत सरकार ने पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन पे ज़्यादा ध्यान दिया, मालगाड़ियों पे कम ध्यान दिया। इसके अलावा मालगाड़ियों पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी बढ़ा दिया और सबसे मेन बात, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मालगाड़ियाँ, पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन सबका रूट सेम रखा, जिसके चलते ये होता था कि पैसेंजर ट्रेन को रूट देने के चक्कर में मालगाड़ियों को 2-2 दिन तक कहीं भी रोक दिया जाता था, जिसके चलते रेलवे के थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की टाइम और कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ने लगती थी और इसी के चलते लोगों का भरोसा भी मालगाड़ियों से उठने लगा और लोगों ने रेलवे की जगह रोड के थ्रू अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना चालू किया, जिसके चलते रेलवे की कमाई भी कम होने लगी। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि भारत में आज भी इंडियन रेलवे की कमाई में 75% शेयर मालगाड़ियों का होता है, वहीं पैसेंजर ट्रेन का शेयर सिर्फ 20% होता है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडियन रेलवे को मालगाड़ियों से होता है, पर उसके बावजूद भारत सरकार ने कई सालों तक मालगाड़ियों के लिए प्रॉपर फ्रेट कॉरिडोर नहीं बनाया था। मालगाड़ियों से जितना रेवेन्यू जनरेट होता था उसे कांग्रेस की गवर्नमेंट पैसेंजर ट्रेन्स की सब्सिडीज में लगा देती थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब मोदी सरकार पावर में आई तो उन्होंने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे काम करना शुरू किया। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC भारत की आज़ादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है। इससे न केवल माल ढुलाई सस्ती होगी बल्कि समय पर भी होगी। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये फ्रेट कॉरिडोर होता क्या है। सिंपल भाषा में कहें तो मालगाड़ियाँ जिस रास्ते से जाती हैं उसे फ्रेट कॉरिडोर कहते हैं। ऐसे ही 2 फ्रेट कॉरिडोर भारत में अभी बनके तैयार हो गए हैं। DFC प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 में हुई थी, पर कंस्ट्रक्शन का पहला कॉन्ट्रैक्ट 7 साल बाद 2013 में दिया गया था। DFC के डिले होने के पीछे DFC CIL के सीनियर ऑफिशियल ने 2 वजह बताई हैं। एक तो जब 2006 में कांग्रेस की सरकार थी तो ये कॉरिडोर पास हुआ था, तब उस समय कांग्रेस ने लैंड एक्विजिशन प्रोसेस बहुत स्लो रखा था, जिसके चलते 2014 तक सिर्फ 88% लैंड ही कॉरिडोर के लिए एक्वायर हो पाई थी। दूसरा रीजन DFC CIL के सीनियर ऑफिशियल ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बताया। सीनियर ऑफिशियल का कहना कि 2006 से 2014 तक सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए इस कॉरिडोर के लिए यूज किए गए थे, जिसके चलते इस कॉरिडोर पे काम बहुत स्लो हो गया था। पर 2014 के बाद इस कॉरिडोर में फंड्स को तेजी से बढ़ाया गया, जिसके चलते ये कॉरिडोर बहुत तेजी से बन गया है। इस समय भारत में 2 फ्रेट कॉरिडोर शुरू हो भी गए हैं। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो ग्रेटर नोएडा के दादरी से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक बनाया गया है, इसकी लेंथ 1504 किलोमीटर है। ये कॉरिडोर भारत के 5 स्टेट के एरिया को कवर कर रहा है। ये कॉरिडोर गुजरात के कांडला, मुंद्रा समेत सभी मेजर पोर्ट से जुड़ा हुआ है। इस कॉरिडोर की मदद से कोई भी सामान दिल्ली से भारत के किसी भी वेस्टर्न कोस्ट के मेजर पोर्ट तक 24 घंटों के अंदर ही पहुंच जाएगा। मौजूदा समय में रेलवे के थ्रू 2 से 3 दिन लग जाते हैं। दूसरे कॉरिडोर की बात करें तो वो है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर।
ये कॉरिडोर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से थोड़ा बड़ा है। इसकी टोटल लेंथ करीबन 1873 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर को पंजाब के लुधियाना से कोलकाता के पास दानकुनी तक बनाया जा रहा है। ये कॉरिडोर भारत के 6 स्टेट्स के एरिया को कवर कर रहा है। इस कॉरिडोर को जिस रूट पे बनाया गया है वहाँ पे बड़ी संख्या में कोयले और मिनरल्स की ढुलाई होती है। तो इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद भारत में बहुत से स्टेट्स में कोयले और अदर मिनरल्स की प्राइस में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। इन दोनों कॉरिडोर को बनाने में भारत सरकार ने 1,24,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दिसंबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने डीएफसी को स्टार्ट भी कर दिया है और अब तक वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर से 44,000 से ज्यादा और ईस्टर्न कॉरिडोर से 55,000 से ज्यादा ट्रेन ऑपरेट की जा चुकी है। अगर आप दोनों कॉरिडोर को मिला दें तो अब तक 1,00,000 से ज्यादा ट्रेन ऑपरेट हो चुकी है। ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर के कम्प्लीट होने के बाद अब मोदी सरकार देश में 3 नए फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्लान कर रही है। ये 3 नए कॉरिडोर से भारत में कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट मिलेगा और साथ में रेल कंजेशन भी कम होगा। इन 3 नए कॉरिडोर की लेंथ 4300 किलोमीटर होगी और इनको बनाने में 2,00,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। 3 नए कॉरिडोर का पहला कॉरिडोर ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर होगा जो खड़गपुर वेस्ट बंगाल से तेनाली आंध्र प्रदेश तक होगा। इस कॉरिडोर की लेंथ 1115 किलोमीटर होगी। ये कॉरिडोर भारत की मिनरल रिच स्टेट बंगाल और उड़ीसा को कनेक्ट करेगा और इस कॉरिडोर से कोल आयरन फर्टिलाइजर की इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। दूसरा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो पालघर महाराष्ट्र से आंदाल वेस्ट बंगाल तक बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ 2268 किलोमीटर होगी। ये कॉरिडोर भारत के 5 राज्य से होकर गुजरेगा और इससे कोल आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। इस कॉरिडोर को मुंबई के JNPT पोर्ट से भी कनेक्ट किया जाएगा। तीसरा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो इतारसी मध्य प्रदेश से विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश तक बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर की लेंथ 975 किलोमीटर होगी। इस कॉरिडोर से कोल सीमेंट फर्टिलाइजर पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने वाली इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। देखो आज के समय भारत में 60% ट्रांसपोर्टेशन रोड से होता है, 32% ट्रांसपोर्टेशन रेल से होता है और 7% वाटरवे से होता है। रोड ट्रांसपोर्टेशन से 2.5 रुपए पर किलोमीटर खर्चा होता है, रेल से 1.5 रुपए और वाटरवे से 25 पैसा पर किलोमीटर खर्चा होता है। तो भारत सरकार देश में रेल और वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने में लगी हुई है। डीएफसी से भारत सरकार रेल ट्रांसपोर्टेशन को 44% तक ले जाना चाहती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डीएफसी को बनाने में मोदी सरकार इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है और इससे भारत को क्या फायदा होगा। तो देखो भारत में मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है जिससे ट्रेन में फ्रेट का वॉल्यूम भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसके चलते डीएफसी को बनाया जा रहा है। डीएफसी बनने से भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा। सबसे पहले भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी। अभी देश में मालगाड़ियों के लिए प्रॉपर फ्रेट कॉरिडोर ना होने से मालगाड़ियों को 2-2 दिन तक के लिए रोक दिया जाता है जिससे टाइम और पैसा दोनों बढ़ने लगते हैं। पर फ्रेट कॉरिडोर बन जाने से फ्यूचर में मालगाड़ियां टाइम पे पहुंचेंगी और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। इस समय मालगाड़ियां 20-25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं और 8 घंटे में 150-200 किलोमीटर ट्रैवल करती हैं। डीएफसी से अब मालगाड़ियां 50-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगी और 8 घंटे में 400-500 किलोमीटर ट्रैवल करेंगी। इससे इंडियन रेलवे के 18-20 घंटे सेव होंगे। इसके अलावा डीएफसी से भारत सरकार 2030 तक लॉजिस्टिक कॉस्ट को 15-8% तक ले जाना चाहती है। डीएफसी के बन जाने से ट्रेन ट्रैफिक भी कम होगा जिससे पैसेंजर ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी। डीएफसी को पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड बनाया जा रहा है जिससे कार्बन इमिशन बहुत कम जनरेट होगा। डीएफसी के बन जाने से बहुत सी जॉब्स जनरेट होंगी क्योंकि डीएफसी का अलग रूट होगा, अलग प्लेटफॉर्म होगा, अलग मैनेजमेंट सिस्टम होगा जिससे रेलवे में बहुत सी न्यू जॉब्स जनरेट होंगी। इसके अलावा डीएफसी का बड़ा योगदान भारत की इकॉनमी पर भी होगा। फ्रेट कॉरिडोर बनने से भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी जिससे बहुत से गुड्स की प्राइस कम होगी, इलेक्ट्रिफाइड होने से फ्यूल कॉस्ट बचेगा, फ्रेट कॉरिडोर के आसपास बहुत से न्यू बिजनेस और इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगेंगे और साथ में रेलवे की रेवेन्यू भी इंक्रीज होगी। तो डीएफसी के बनने से भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा और ये आपको आने वाले कुछ सालों में देखने को भी मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये 3 न्यू फ्रेट कॉरिडोर का प्रोजेक्ट इलेक्शन के बाद ही शुरू होगा, पर ये आप लोगों पे निर्भर होगा कि देश को आगे बढ़ाना है या नहीं और ये प्रोजेक्ट को शुरू करना है या नहीं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।